आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्लास 9 की चार किताबों में से तीन किताबों का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, किसी का दो लेशन, किसी का तीन लेशन। अब हम लोग चौथे हिस्से यानी कि हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और यह वीडियो का पहला हिस्सा है। ठीक है, और पहले लेशन का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति अर्थात जब फ्रांस में निरंकुश राजाओं का शासन था और वो निरंकुशता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो लोगों ने वहाँ पे क्रांति किया था और उस क्रांति के दौरान बहुत से बदलाव हुए थे, जिसके बारे में हम आज इस लेशन में पढ़ेंगे, जानेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पहले लेशन का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की एक घटना है 14 जुलाई 1789 की, जब विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा समूह बास्टिल नामक महल पर हमला किया, जो कि उस समय फ्रांस के राजा के निरंकुशता का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। वह जो विद्रोहियों की भीड़ थी उसने उस महल पर हमला किया, उस वहां पर तोड़फाड़ किए, जो सैनिक थे उन सबको मार दिया गया, जितने कैदी थे उन सबको आज़ाद कर दिया गया और वहां पर जितने भी हथियार थे वो सब के सब लूट लिए गए और लोगों ने उस महल के पत्थरों को तोड़कर अपने घर साथ ले जाने का काम किया, इस सबूत के आधार पर कि उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और वो उसमें शामिल थे, अर्थात बास्टिल के पतन में के काम में शामिल थे। ठीक है, तो इस बास्टिल के पतन का जो घटना है, बास्टिल पर हमला या बास्टिल को ध्वस्त करने की जो घटना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब फ्रांस में बुर्बो वंश राजवंश का शासन था, तो बुर्बो वंश के जो राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा आलिशान जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, और वो अपने जीवन उस आरामदायक जीवन को जीने के लिए वो बहुत ज़्यादा कर्ज लिया करते थे और उस दौरान उन पर लगभग 10 अरब लिब्रे का, वहाँ के जो करेंसी है लिब्रे कहते हैं, तो उस 10,000 लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था। और चूंकि फ्रांस जो था कई देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता थी, अकाल पड़ा था जिससे आमदनी नहीं हो रहा था, तो सरकार को अर्थात राजा को पुनः आम जनता पर कर लगाने की आवश्यकता पड़ी। और चूंकि राजा जो था वो स्वयं कर नहीं लगा सकता था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि फ्रांस में एक संस्था होती थी जिसे थ्री स्टेट्स के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रथम स्टेट में जो थे वो कुलीन वर्ग के, अमीर वर्ग के लोग आते थे, राजा के परिवार के और अधिकारी वर्ग के लोग आते थे। दूसरा होता था पादरी वर्ग, ठीक है, और तीसरा होता था अभिजात वर्ग, अर्थात अमीर वर्ग के अधिकारी वर्ग जो लोग थे उनको किसी प्रकार का कोई भी कर देना, टैक्स देना नहीं पड़ता था। उनके पास कुछ खास अधिकार थे और उनमें से एक खास अधिकार था टैक्स न देना, कर न देना, उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि वो दूसरों से टैक्स ले सकते थे। ठीक है, उनका जीवन बहुत ही आरामदायक था, वो आम जनता को सताने का काम करते थे और उनसे टैक्स लेने का काम किया करते थे। और दूसरा जो वर्ग था पादरी वर्ग, इनको भी यह अधिकार था कि वो किसी को टैक्स नहीं देंगे, सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे, बल्कि पादरी जो वर्ग था वो टाइड नामक धार्मिक कर लेता था आम जनता से और सरकार जो था वो टाइल्स नामक कर लिया करता था। तो ये जो दोनों कर थे वो सब के सब केवल तीसरे स्टेट पर अर्थात आम जनता पर लगाए गए थे, बाकी ऊपर के यानी कि अमीर वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के जो लोग थे उनको किसी प्रकार का कोई कर देना नहीं पड़ता था, उनका यह जन्मसिद्ध अधिकार हुआ करता था कि वो किसी प्रकार का कोई टैक्स कर नहीं देंगे। तो जब राजा को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ी, कर्ज भरने की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने फिर से सोचा कि आम जनता पर एक नया टैक्स लगाया जाए ताकि पैसे इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने स्टेट जनरल का बुलावा, बैठक बुलाया, और जब वो स्टेट जनरल का बैठक बुलाया तो उसमें कौन सी घटना घटित हुई इसके बारे में हम लोग पहले बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं कि उससे पहले फ्रांस में हो क्या रहा था, क्या क्या चल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं कि जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिलता है
कि जो शासक वर्ग था वो निरंकुश हो चुका था, उसके अधिकारी जो थे वो भी निरंकुश हो चुके थे। शासक जो था वो आम जनता से विभिन्न प्रकार से टैक्स लेने का काम करता था, और सारे के सारे जो टैक्सेस हुआ करते थे वो केवल निचले तबके के यानी कि तृतीय स्टेट के लोग अभिजात वर्ग ही भरने का काम जो कुलीन अभिजात वर्ग के जो लोग थे उन्हीं को भरने का काम होता था। अर्थात जो छोटे किसान थे, छोटे मजदूर थे, वही टैक्स भरने का काम किया करते थे, और सारे के सारे टैक्स से वही लोग दबे हुए थे। जब राजा ने नए टैक्स की मांग की और तृतीय स्टेट की बैठक बुलाई, तब लोगों ने विद्रोह किया था। लेकिन उससे पहले देखें तो वहाँ पर रहने वाले जो जनता थी वो अपने जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। वहाँ पर अचानक जनसंख्या में वृद्धि हुई और उसी समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जो खाने की कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, पाव रोटी की जो कीमत थी वो बढ़ती चली गई। मजदूरी जो था वो मालिक तय करता था और वो अपने मजदूरों को कम से कम मजदूरी की दिया करता था, जिसकी वजह से आम लोगों की जो ज़िंदगी थी और भी ज़्यादा मुश्किल होती चली गई। इसके साथ ही साथ इन सभी घटनाओं के अंतर्गत एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं। मध्य वर्ग में शिक्षित, अध्यापक, छोटे व्यापारी, बड़े किसान इत्यादि जो थे वो शिक्षित वर्ग के अर्थात मध्य वर्ग के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। मध्य वर्ग का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के पास जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। जो अधिकारी हैं या फिर जो पादरी वर्ग के लोग हैं और वो लोग आम जनता पर टैक्स लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनके पास जो जन्म से अधिकार प्राप्त हैं उन सभी अधिकारों को खत्म करना चाहिए। इसी के साथ साथ फ्रांस के कुछ दार्शनिक थे जैसे कि रूसो हैं या फिर दांते हैं, इन्होंने भी अपने विचारों से अपनी पुस्तकों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया था। और इस मध्य वर्ग ने जो जन्मजात अधिकार मिले थे उनका विरोध करते हुए कहा कि फ्रांस में राजनीतिक अर्थात राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और जो लोगों के पास जन्मजात अधिकार है उन सबको ख़त्म करके न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की स्थापना करनी चाहिए। लोगों में यह बात काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी। मध्य वर्ग की विचारधाराएं जो थीं वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने लगी, और यह जो बात थी वो सैलूनों में अर्थात नाई के दुकानों पर, नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर, इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चर्चा होने लगा और बहुत से लोग इसमें सम्मिलित होने लगे थे। और यही सम्मिलित जो विचारधारा थी मध्य वर्ग की कि एक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, राजतंत्र को ख़त्म कर देना चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए, इसी विचारधारा ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का रूप लिया था। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी है आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं।